दूसरा संत चीर खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है। दुशासन कहते हैं 1000 हाथियां की ताकत जितना आदमी था। जैसे आजकल ना इन बिजली की मोटरों को एलिफेंट पावर से, हॉर्स पावर से तोला जाता है। एक हॉर्स पावर की मोटर छोटी सी वो है, वो ऐसे हॉर्स पावर से उसको मापा जाता है। तो उसे उसमें एलिफेंट पावर से नापा जाता था। 1000 हाथी एलिफेंट पावर का था वो। और द्रौपदी कमल का फूल, और तो वैसे अबला कही गई है। और वो दुशासन अपनी ताकत दिखा रहा है, उसको खींच रहा है, खींच रहा है, खींचते 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 पसीना पसीना हो गया, वो थक के बैठ गया, ढेर लग गया नो साड़ी का, वो चीर खत्म नहीं हुआ। अब वो थक के हार के बैठ गया, जब नहीं बसाई तो द्रौपदी चली गई काट के उस पल्लू से ने, और कह दिया जा बेशक। और दुष्टों ने फिर भी अपने पाप कर्म छोड़े नहीं। अब कुछ दिन के बाद जब श्री कृष्ण जी आए, तब श्री कृष्ण जी से उसने कहा है प्रभु आपने मेरी बड़ी रक्षा की। और कृष्ण के याद भी कोई ना के गया, करने वाला तो कोई और है। फिर परमात्मा ने कहा कि हे द्रौपदी, भगत ऐसे अपने आप सोचा करते हैं, विचार लाया करते हैं, हे भगवान मेरा कौन सा पुण्य था जो आज भगवान ने इसी दया करी मेरे ऊपर, ऐसी मेरी जो ना आपदा टाल दी। तो श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है परमात्मा, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था, मैंने कौन से इस जन्म को ऐसा पुण्य मैंने देखा नहीं भगवान, मेरे कौन से जन्म का पुण्य मेरे आगे आ गया जो ऐसी आपदा टाल दी आपने। तो उस समय परमेश्वर कबीर जी ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण जी की बुद्धि ऑन कर दी, उसकी दिव्य दृष्टि चालू कर दी रिमोट तय। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि आप द्रौपदी जी, आप जब कुंवारी थी अपने पिता के घर थी और स्नान करने के लिए गंगा पर गई थी, तेरे साथ बहुत सी सहेलियां थी, वहाँ एक अंधा महात्मा स्नान करे था और आपने अपनी साड़ी में तय उसको कपड़ा दिया था, उस एक बिलांत के कपड़े का, एक गठ कपड़े का दान उस महापुरुष को दिया हुआ, आज तुझे इतना फल दे गया। अब द्रौपदी कहती है भगवान हे परमात्मा, वो ऐसे महापुरुष थे जिसको एक लीर दिया था, एक लीर माने एक कातर सी, एक छोटा सा टुकड़े का टुकड़ा कपड़ साड़ी का, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जय मैं पहले जान लेती तो सब कुछ देती वार उस परम पिता को, ऐसे महापुरुष को ना जाने कितना दान कितना कुछ कर देती, उसकी सेवा करती, मैंने नोबेरा होता ये से महापुरुष है। अपने आत्माओं, जब द्रौपदी जी साड़ी में से टुकड़ा दे रही थी, अब यहाँ ध्यान रखना है, विचार रखना आप जी ने, क्योंकि इन कथाओं से हमने अपने मार्ग को सुचारू रखना है, हम कदे कहीं फावल ना हो जाएं, कोई गलती ना कर जाएं। अब जैसे हमारा स्वभाव है बेईमाना करण का, लोभ लालच करण का, तो परमात्मा कहते हैं वैराग नाम है त्याग का 525 माह। जैसे द्रौपदी ने लालच कराया, लोभ किया, क्या लोभ किया, क्योंकि राजा की लड़की के साथ सैकड़ों तो नौकरानी होती हैं, और वो अपनी साड़ी ना फाड़ के देकर नौकरानी को भी कह सकती थी कि नौकरानी तू ये साड़ी की साड़ी डाल दे, इस महात्मा को दे दे, एक लीर पाड़ के डाल दे, मैं तुझे नई साड़ी दूंगी। इसको पता था, नौकरानी को पता होता कि एक की बजाय दो साड़ी देवेगी मुझे जाते ही राजा की लड़की, लेकिन द्रौपदी ने वो भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं दान करूंगी तो मुझे मिलेगा, और ये करेगी तो इसको मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं लोभ लालच करे तो भाई ऐसा करे, किसी को दुख देने का नहीं करे। अब दास आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृत वाणी से सुनाते हैं, जो सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। द्रौपदी नान चली है गंगा, सेंस सवेली का सतसंग, ग्रीब नग्न अंधरे को दिए
द्रौपदी चीर उतार, कोट सेंसर हो गए दुशासन की बार। द्रौपदी गंग किया असनाना, धूप दीप देखी ना जाना, अंधरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। ओगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधरे का सब खेला, चीर फार कोपीन बनाई, द्रौपदी अंधरे आग लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी जा त्यारा, पांच सात कोपीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाई। लकड़ी का जब दिया लपेटा, अंधरे से ती हो गया भेटा, चीर फार को पीतम्बर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, दस सेंसराप्ती बलवंता, दस हजार हाथियों का, ओहो दस हजार हाथियों की ताकत वाला था वो दुशासन। दुर्योधन राजा जहां बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले, द्रौपदी तुही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांजी का जाया, तू तो है दासी का जाया, भीष्म द्रोण जहां कर्ण मुस्काया। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान दरिया पदमाही, द्रौपदी टेरी ध्यान धर, प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बनानी, मेरी लज्जा रखो परवानी, गजगरा के तारण हारे, बिल्ली के सत अगन उबारे। प्रहलाद भगत किए परवाना, नरसिंह रूप धरे विदिनाना, पापी अदम को तारण हारे, मैं बांधी हूँ पांच बरतारे। द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना, जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान दरिया है पिंड होरम्बा, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोकु समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी, जय मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न ले वह कोई। अपने आत्माओं, अब वहां श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था, श्री कृष्ण को परमात्मा अपनी पावर देकर अपनी यथार्थ बुलवा रहा था। जैसे गीता जी में काल से बुलवा दिया परमात्मा कबीर परमेश्वर ने, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अहम काल अस्मि, मैं काल हूँ, ये खुद नहीं बोल रहा था, परमात्मा बुलाओ थे, कान दे मेरे बच्चे, न्यू पहचानेंगे फिर इसको। और फिर जो कहे उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा, मेरा तो जन्म मृत्यु, तो ये वो काल नहीं बोल रहा था, परमात्मा बुलाओ थे, फिर देखेंगे तुम्हें आने वाले समय में। तो ऐसे ही द्रौपदी श्री कृष्ण से परमात्मा बुला रही थी, क्या कह रहे थे, अमरी भक्त पे छोड़ी होई, हमरा नाम ना ले वे कोई, हमरी भक्ति सकल में सिखरी, कहते हमारी भक्ति सकल में सिखरी, हमारी जो भक्ति है, परमात्मा बुलवा रहे थे कि मेरी जो भक्ति है सबसे टॉप मोस्ट है। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी, सिखरी माने सबसे टॉप मोस्ट है, और अमरा भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम ना ले वे कोई। अब वह परमात्मा याद दिला रहे हैं, हमें हमारे लिए बुलवा रहे हैं कि जब मेरा भक्त की हार होगी तो मेरा नाम लेने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी, हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेगा कोई। तंदेही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, वो तो वहां खेलता रहा रुक्मण के साथ श्री कृष्ण, और परमात्मा मुरारी माने दुष्टों का नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला, व्याधाओं को हरने वाला, वो मुरारी वो परमात्मा वहां से चला। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपदी के चीर बढ़ाए, संख असंखों पार न पाए। तो इस प्रकार परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को रक्षा करता है। ये द्रौपदी की जो आत्मा है, हम इसको द्रौपदी जो है ये कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रही थी,
अब जैसे पुण्यात्मा इस ज्ञान को गणा जानते सुना करो, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नए पॉइंट आपको मिलने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग एक लेक्चर होता है, समझ लीजिए कि इस, और दास इस दृष्टिकोण से उच्चारण करता है, सत्संग करता है कि इसमें प्रथम क्लास के बच्चे भी होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं और लास्ट वाले यानी अंतिम कक्षा वाले भी यहीं पर होते हैं। तो प्रत्येक में थोड़ा बहुत समावेश हर तरह का करना पड़ता है, जिससे पहली से लेकर और पीएचडी तक के बच्चे इस कॉमन लेक्चर से ही, प्रवचन से ही उनको समझ सकेंगे, समझा जाता है। इसमें प्रत्येक पॉइंट को हमने समझना है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी भक्ति बनाए रखने के लिए किसी ना किसी माध्यम से वो लाभ देता है। अपने आत्मा जैसे वहाँ कहते हैं श्री कृष्ण को याद किया था द्रौपदी ने, और टटीरी ने किसको याद किया था, एक जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया होने वाला था और दो तीन दिन पहले उसने टटीरी एक पक्षी होता है, उसने मादा टटीरी ने वहाँ पर अंडे उत्पन्न कर दिए 5 और उधर से देखा कि सेना आने लगी दोनों तरफ की, 18 करोड़ इकट्ठे हुए थे। अब टटीरी ने द्रौपदी की तरह पुकार करी थी, अब टटीरी ने तो भी ना बिरा कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है या ब्रह्मा कौन है, राम कौन है, उसने तो परमात्मा हे भगवान मेरी रक्षा करना, तो पिछले जन्म जन्म की पुण्यात्मा थी, उनका भी उसका भी कोई ऐसा पुण्य था, पूर्ण परमात्मा ने आकर के उसके लिए व्यवस्था कर दी, उसके अंडों के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी का घंटाला डाल दिया, घंटा होता है टाली भी गले में बंदी होती है घंटी, तो बहुत बड़ा घंटा डाल दिया घंटाला, कहाँ से इंद्र के हाथी का, स्वर्गलोक में स्वर्ग से इंद्र के हाथी का घंटाला वहाँ से नीचे पटक दिया, 88,000 मन का बताया जाता है, 88,000 मन का, और उसके ऊपर गिर दिया, उड़ा अग्नि बाण छूटे, करोड़ों आदमी मर गए, हाहाकार मच गया, अंडों पर कोई आंच नहीं आई अंडों पर। तो ऐसे हमने समझना कि ये सब क्रिया कबीर परमेश्वर कर रहे थे, कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। हम जो कथाएं भी सुना करते थे पहले, जो हम कथाएं सुना करते थे महाभारत की कथाएं सुना करते थे, उनका भी निष्कर्ष अपने पास नहीं था। तो हम जो ये कथाएं सुना करते थे महाभारत आदि की, इनका भी कोई निष्कर्ष हमारे पास नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते थे कि पांडवों को कौरवों ने जुए में हरा दिया, तो उसमें शर्त रखी थी कि 12 वर्ष का वनवास होगा, जंगल में रहना, और 13वां वर्ष अज्ञात होगा। तो ऐसे जब वो वन में गए हुए थे, पुण्यात्माओं ये ध्यान रखना कि परमात्मा ये दास आपको कौन सी गुट्टी आज पिलाने जा रहा है, कौन सी औषधि दे रहा है, कि जो हम कथाएं सुना करते थे, हम परमात्मा कहते, कबीर गरीबदास जी कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, उसने न्यू कर दिया, उसने न्यू कर दिया, कहते जो करने वाला उसका जिक्र भी कोई ना, जो सब कुछ कर रहा है, जो हमारे सदग्रथ प्रमाण देते हैं। एक बार ये दुर्वासा ऋषि बहुत सिद्धि वाला था, आप जी को बताया कि तप के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। अब तप करके, हठ योग करके, सिद्धियां प्राप्त करके, चुणक जैसे ऋषि, दुर्वासा जैसे ऋषि अंडी पा करे थे, क्योंकि ये किसी को वचन से उनको बहुत हानि कर देते थे, इनसे दुनिया डरा करती थी, ये तो विषैले सर्प थे, और अमीन मैं ऋषि समझा करते थे,
परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में बताया है।